तो गाइस इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक पीवीसी शीट का, जिसे मैंने 3 होल कर दिए, आप देख सकते हो मैंने बड़े होल कर दिए। तो पीवीसी शीट आप कोई भी साइज़ का ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं बल्ब होल्डर का यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो है 3 बल्ब होल्डर का यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें जो है बल्ब होल्डर की कैप को जो है निकाल देना है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 बल्ब होल्डर की कैप निकाल दी है। तो अब जो है हमें फेविक्विक से कैप को चिपकाना है, तो चलिए अब इसे चिपका लेते हैं। तो गाइस मैंने इसे चिपका दिया है और इसे कलर भी कर दिया है, रेड कलर मैंने कर दिया और स्विच के लिए भी कटआउट कर दिया है, आप देख सकते हो। तो मैंने वायर कुछ इस तरीके से कनेक्ट किए, 2 वायर बल्ब के दूसरे बल्ब को, दूसरे बल्ब के तीसरे बल्ब को और तीसरे बल्ब से आउटपुट निकाला है। तो यहाँ पर मैं एक स्विच यूज़ कर रहा हूँ, ये जो है हमारे एक्सटेंशन बोर्ड बनाने में या फिर घर के जो इलेक्ट्रिशियन बोर्ड होते हैं उसमें ये यूज़ होते हैं। ये स्विच जो है मुझे 15 रुपीज़ का मिला है। तो चलिए हमें इस तरीके से कुछ चिपका लेना है, तो चलिए इसे चिपका देते हैं फेविक्विक की मदद से। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही प्रोजेक्ट के वीडियोस चैनल पर मिलते रहेंगे और आप चैनल को सपोर्ट करके रहना। तो मैंने कुछ इतने पीसेस कट कर लिए, आप देख सकते हो। आपको भी इसके इतने ही पीसेस कट कर लेने हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको ऐसे कटआउट्स कर लेना है, आप देख सकते हो साइड के लिए 2 किए और दूसरे साइड के लिए 2। तो कुछ इस तरीके से मैंने कलर भी कर दिया है। यहाँ पर मैंने सब कुछ फिट कर लिया, आप देख सकते हो गाइस मैंने चिपका दिया है फेविक्विक से अच्छी तरीके से। और मैंने कुछ इतनी लंबी वायर रखी है, कॉपर वायर है, मैंने कुछ इतनी रखी है वायर, देख सकते हो आप लोग। तो गाइस अभी जो है हमें इसे प्लग पिन लगाना है, चलिए इसे प्लग पिन लगा देते हैं। तो इसका स्क्रू पहले निकाल लेते हैं हम और प्लग पिन लगा देते हैं।